वांग माथुर ने बात की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं जो बाइक रैली में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। अनुराग जी, विशाल बाइक रैली है, पूरा इंडिया गेट पर देख रहा हूं, तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से भारत सरकार जन भागीदारी को सुनिश्चित करेगी? आजादी का अमृत महोत्सव, देश के पास अवसर है तिरंगे की ताकत को बढ़ाने का, हर घर तिरंगा लहराने का, दल से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने का। और ऑपरेशन गंगा में तिरंगा की ताकत को दुनिया ने देखा है। 23,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं जब निकलकर कहां से आई, यूक्रेन से, युद्ध की भूमि से, तिरंगा हाथ में लेकर आए। दुनिया भर के देशों के लोग तिरंगा हाथ में पकड़कर वहां से निकले, ये तिरंगे की बढ़ती ताकत है। जम्मू कश्मीर के घर घर में तिरंगा लहराया, देश के कोने कोने में तिरंगा लहराया। आइए तिरंगे की आन बान शान के लिए अगले 25 सालों में अमृतकाल में देश को उतना ऊंचा ले जाएं कि दुनिया में विकसित भारत बनाकर दिखाएं। अगले 3 साल में पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दें। अनुरागी, जिस तरीके से संसद का सदन भी चल रहा है, उसका आखिरी दिन है, वहां जो कल हंगामा देखने को मिला, विपक्ष ने वॉकआउट किया, 15 अगस्त से पहले किस प्रकार का संदेश देश में गया? मैं देश को यही कहूंगा, आइए प्रण लें विकसित भारत बनाने का, आइए प्रण लें अमृतकाल से स्वर्णिम काल की ओर भारत को ले जाने का, आइए प्रण लें गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का, आइए प्रण लें देश को लगातार आगे बढ़ाने का। हर घर तिरंगा, हर फोन की डीपी पर तिरंगा, हर मन में तिरंगा। अनुराग ठाकुर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा और हर जगह तिरंगा से रंग देना है। एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया और इस तरीके से तिरंगे को लहराते हुए प्रगति मैदान से लेके इंडिया गेट, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे इस बाइक रैली का समापन आज किया गया है। अमित के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, ये बाइक रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एकता का संदेश, भारत माता के प्रति समर्पण का संदेश, तिरंगा के प्रति सम्मान का संदेश। और जिस प्रकार पार्टियों और विचारधाराओं से ऊपर उठकर के सभी सांसद साथी यहाँ पर आमंत्रित है, ये देश में हर एक नागरिक, हर एक क्षेत्र से यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे माननीय सदस्यों के बीच में आपसी एकता और भारतीयता का भाव। वहीं मनोज तिवारी से भी बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। मनोज तिवारी जी हमारे साथ है। मनोज जी, तिरंगा लेके हाथ में क्या जज्बात आ रहे हैं? बड़ा ही सुखद है, बड़ा ही रोमांचक है, जोश बढ़ाने वाला है, हृदय को हर्षाने वाला है। लेकिन विपक्ष के सांसद नहीं आए तिरंगा यात्रा में भी, ये थोड़ा सा आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था भाई, ये तिरंगा यात्रा कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा बुलाया गया है। क्या कहेंगे उनको? वो बार बार सिद्ध कर रहे हैं कि उनके लिए देश बड़ा नहीं है, उनके लिए सिर्फ अपनी, अपने दल की और सत्ता की भूख बड़ी है। ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है।